अदम गोंडवी की सबसे चर्चित कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। यह कविता एक दलित युवती की कहानी है जिसे सवर्णों के अत्याचार का शिकार होने के बाद भी हमारा सामाजिक ढांचा न्याय नहीं दिला पाया। आइए एक कड़वे सच से रूबरू होते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। ये वही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, ये यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खैनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार के आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको खींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही।
जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल शुभ गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, कल शुभ गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। छड़क आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हलके के थानेदार ने, घेर कर बस्ती कहा हलके के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। मेरा मुँह क्या देखते हो इसके मुँह में थूक दो, मेरा मुँह क्या देखते हो इसके मुँह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुदमुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन सिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराएं नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराएं नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदारों को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।